हेलो गॉडसन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं गॉडसन रोहित और आप लोगों का बहुत स्वागत है मेरे चैनल गॉडसन क्रिकेट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टइंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले 2020 मुकाबले की, जो कि होने वाला है ब्रायन लारा स्टेडियम में। ब्रायन लारा जो कि बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये जो वेन्यू है जहाँ पे मैच होने वाला है, ये कहीं से भी बल्लेबाजों के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि ये बल्लेबाजों के लिए एक तरह से कह सकते हो कि कब्रगाह है और गेंदबाजों के लिए एक तरीके से कह सकते हो कि जन्नत। अब इन्हीं बातों में छिपा हुआ है खिलाड़ियों का सिलेक्शन। अगर मैं बोलता हूं कि बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह है, इसका मतलब यह है कि बल्लेबाजी करना यहां बहुत मुश्किल है। और अगर कहता हूं कि गेंदबाजों के लिए जन्नत, इसका मतलब यह होता है कि वो गेंदबाज जो यहां पे गेंदबाजी करता है, वो खिलाड़ी जो गेंदबाजी करता है, उसके लिए ये वाली जो वेन्यू है वो क्या है? जन्नत। और ऐसे में कैप्टन वाइस कैप्टन का भी हमारा जो निकलता है दावेदारी, वो कहां से निकलता है? गेंदबाजों से निकलता है। और इसी से हम ये भी सीखते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर और बॉलर्स को अपनी टीम में रखेंगे और बल्लेबाजों को कम से कम टीम में जगह देंगे, क्योंकि बल्लेबाजों क्या ये कब्रगाह है। तो इन्हीं बातों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इतनी बातों से समझ गए होंगे कि ये वाली वीडियो जो होने वाली है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज्यादा नॉलेज से भरा होने वाला है, जो कि आपको ग्रैंड लीग जिताने के लिए काफी होगा। और हर रोज गॉडसन क्रिकेट फैमिली में देखोगे तो लोग हजारों लाखों रुपए जीत रहे हैं। हर रोज मैं टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट डालता हूं, क्यों? क्योंकि वो लोग सीखते हैं और जो सीखता है वही जीतता है। तो अगर आप भी जीतना चाहते हो तो सीखने के लिए तैयार हो जाओ, गॉडसन क्रिकेट आपको सिखाने को बिल्कुल तैयार है। तो चलो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करके हम क्या करते हैं कि पहले हम देखते हैं खिलाड़ियों को कि आज के मैच में वेस्टइंडीज की तरफ से वो कौन से प्लेइंग 11 है जो आज के मैच में खेलते हुए दिखाई आपको दे सकते हैं। तो ये वो 11 खिलाड़ी हैं, फिलहाल 10 दिखाई दे रहे हैं और एक जो है वो उनका जो स्पिनर है जिनका नाम है गुडाकेश मोती, मोती वाला स्पिनर याद है ना, वो वाला। तो ये 11 खिलाड़ी हैं जो यहाँ से खेलने वाले वेस्टइंडीज की तरफ से। एक एक चीज़ों को मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, कौन किस वक्त आ रहा है, सारी चीज़ों को मार्कआउट करते चले जाना। ये टॉप 3 है, राइट? ये टॉप 3 है जो ऊपर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। और ऊपर में क्या है, खतरा है। इनका रिकॉर्ड वगैरह मत देखना भाई कि किसने कितना रन बनाया है, कितना नहीं बनाया। खैर मैं वो आपको बता दूंगा, पहले इनिंग सेकंड इनिंग के लिए कौन बेस्ट है वो भी बता दूंगा। लेकिन यहाँ जो पिच के जो हालात हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड को धराशाही करने के लिए तैयार हैं। इसलिए रिकॉर्ड के आधार पर मत बनाना, जो मैं आपको सिखाऊंगा उसके आधार पर बनाना, आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। तो ये है टॉप, चौथे पाएंगे रोस्टन चीज जो कि हमारे दावेदार भी होंगे। देखो करंट फॉर्म बहुत गंदा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे लिए दावेदारी कौन पेश करेगा? रोस्टन चीज कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। पांचवे नंबर पाएंगे रोमन पावल, जो कि स्टैंड बाई पे इनको रखेंगे, राइट हैंडर बल्लेबाज है। फिर उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड, ये वाले रदरफोर्ड, उसके बाद ये वाले रदरफोर्ड आएंगे, उसके बाद अकील हुसैन, मकॉय, जोसफ और एक जो मोती है ये आएंगे। तो ये रहा क्रम जो आएंगे अपना बल्लेबाजी करने के लिए, इस क्रम में आएंगे। देखो क्रम का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रम के हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगा कि किस क्रम के बल्लेबाजों को रखना सही रहेगा, मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर या डाउन डी ऑर्डर, सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। गेंदबाजी का अगर ऑप्शन लेके चला जाए, अकील हुसैन, ओबेन मकॉय, जोसफ, रमोरियो शेफर्ड, आर रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, ये पांच आपके दावेदार हैं। और एक और जो मोती जो यहाँ पे खेलेगा, जो कि आप बॉलिंग सेक्शन में आके देख सकते हो, कुछ देर के लिए मैं कोई को हटाता हूँ, ये रहा मोती, है ना, मोती को भी देखो, ये भी आएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से मैं कुछ देर के लिए रोमन पावल को हटा देता हूँ, जो कि कंट्रीब्यूशन का कुछ खास इस बीच रह नहीं रहा है। और यहाँ से मैं किसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैकॉय को, ठीक है। अब ये देखो मेन गेंदबाजी का ऑप्शन आपको समझ में आ जाएगा आसानी से थोड़ा सा, है ना। ये देखो 1 2 3 4, ये चार आपके ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं, 5 6 और यहाँ पे 7वां ऑप्शन है। हालांकि ये बल्लेबाजी करेगा, इसको हटा दो, लेकिन ये 6 आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बैटिंग बॉलिंग के, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। रोमारियो शेफर्ड के भी आप 3 से 3 ओवर कम से कम मान के चल सकते हो, रोस्टन चेज के भी मान के चल सकते हो, क्योंकि सामने वाली टीम में भी ऐसा नहीं कि लेफ्ट हैंडर नहीं है, लेफ्ट हैंडर है। तो ऐसे में रोस्टन चेज का भी एक भूमिका जो होगी वो अच्छी होगी। अकील हुसैन, ओबेन मकॉय, मोती और जोसफ, ये हैं टोटल इनके 6 गेंदबाज, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किसका क्या रिकॉर्ड अभी फिलहाल चल रहा है और उस हिसाब से किसको रखना चाहिए किसको नहीं रखना चाहिए, राइट? तो देखो रिकॉर्ड वाइज अगर हम बात करें ना, एक सेकंड रुके रहना, लाइन पर रहना, हाँ चलो, रिकॉर्ड वाइज अगर हम बात करें तो जॉनसन चार्ल्स की हम बात करते हैं सबसे पहले, है ना। जॉनसन चार्ल्स का अगर देखोगे तो पिछले 5 मुकाबले में 38 43 44, 3 पारी जबरदस्त इन्होंने खेली, बिल्कुल जबरदस्त पारी खेली है। और शाई होप की बात करेंगे तो पिछले 6 मुकाबले में 82 की पारी खेली है, 38 की पारी खेली, 29 की पारी खेली, 25 की पारी खेली है। समझना, तेज खेलना है तो जॉनसन चार्ल्स, टिकाऊ खेलना है तो शाई होप, ये दो तरह के प्लेयर हैं, एक मार के खेलता है और शाई होप है जो टिक के खेलते हैं, रुक के खेलते हैं। ऐसे में टिकाऊ बल्लेबाज शाई होप के साथ आप जा सकते हो। प्रतिशत के साथ अगर हम चेक किया जाए शाई होप का, तो बल्लेबाजी सेक्शन में आ जाओ, तो बल्लेबाजी सेक्शन में अगर मैं आता हूँ, सॉरी विकेट कीपर सेक्शन दिखाई देंगे, तो ये देखो शाई होप 28%, जॉनसन चार्ल्स 13% 14%। ऐसे में समझना, दोनों के दोनों आपके ट्रंप प्लेयर हैं, बिल्कुल ट्रंप प्लेयर हैं। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि यार जो पिच है ना, पिच के हालात थोड़े से ऊपर में ख़राब है, इसलिए मुझे दो, अगर मैं टीम बनाता हूँ तो एक टीम में दो में से एक रखूँगा
और एक टीम में दोनों के दोनों को मैं बाहर कर दूंगा। हालांकि रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, इसके बावजूद मैं बाहर करूंगा। रीजन क्या समझो, रीजन जानना बहुत जरूरी है आपका। ये देखो यहाँ पे पिछले, आपको पता है ना, 2020 के जो मुकाबले हुए वो यहीं पे हुए हैं। एक तो यूएसए वाला हो रहा था जहाँ पे इंडिया खेल रही है, और एक और वेन्यू थी ये वाला जहाँ पे वेस्ट इंडीज, जहाँ पे और भी मैचेस हो रहे थे। तो ये देखो ब्रायन लारा स्टेडियम में हो रहा था। अब जरा पिछले चार मुकाबला जरा यहाँ पे देख लो क्या हुआ है, कितना वाहियात यहाँ पे मैचेस हुए हैं, जरा देख लो हालत कितनी खराब है। युगांडा हालत खराब 40 पे ऑल आउट, न्यूजीलैंड 41 पे बना के जीत गई। पीएनजी खेलती है 95 पे ऑल आउट, फिर पीएनजी खेलती है 78 पे ऑल आउट। यहाँ तक कि आपको पता है यहाँ पे अफगानिस्तान भी खेली है, अफगानिस्तान भी यहाँ 56 या 57 रन पे ऑल आउट हो गई थी। ऐसा नहीं है पीएनजी ऑल आउट हो रही है, यहाँ पे अफगानिस्तान जैसी टीम भी क्या हो गई थी, ऑल आउट हो गई थी। तो वेस्ट इंडीज देखो, वेस्ट इंडीज यहाँ पे 149 पे 9 दिख रहा होगा ना, लेकिन एक बात समझो यहाँ पे देखो, 6 ओवर 3 गेंद में 30 पे 5, समझ में आ रही बात, मतलब 30 रन पे ही 5 विकेट गिर गया था। उन्होंने, वो तो शेफर्ड थे जिन्होंने 65 या 70 रन की पारी खेल दी थी, तब जाके 150 के करीब बन गया। वरना ये देखो 30 पे 5, इनका हालत बहुत खराब था। यानी जो भी टीम पहले इनिंग खेल रही है उसकी हालत बड़ी खराब हो रही है, खराब नहीं मतलब बल्कि कह सकते हो बर्बाद हो जा रही है। अब आप बताओ, वेस्ट इंडीज इनका खुद का होम ग्राउंड है, खुद का होम वेन्यू है, एक एक खिलाड़ी यहाँ पे पले बड़े हैं और एक एक मतलब पिच से वाकिफ है कि किस तरीके से बिहेव करती है। इसके बावजूद इनका हालत वर्ल्ड कप में क्या था, 30 पे 5 था। तो एक तो वेस्ट इंडीज़ का खुद का हालत 30 पे 5 था, ऊपर से साउथ अफ्रीका जो है जो तेज पिचों पे खेलती है वो वेस्ट इंडीज़ के पिच पे जाके खेलेगी, उसका क्या हालत होगा सोचो, उनका भी हालत तो वही होगा ना। तो ऐसे में बल्लेबाजों पे एकदम मत खेलना, गेंदबाज और ऑलराउंडर खेलना। मैंने टीम बना करके ऑलरेडी रखा हुआ है, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखो, लॉजिक के साथ समझाऊंगा एक एक खिलाड़ियों के बारे में। लास्ट तक देखोगे यकीन मानो ग्रैंड लीग आप जीत के जा सकते हो। हर रोज गॉड से क्रिकेट के लोग हैं जो जीत रहे हैं, हर रोज जीत रहे हैं, क्योंकि वो लर्निंग में फोकस किए। जो समझदार आदमी होता है ना वो तुक्का नहीं खेलता, वो सीखने पर फोकस करता है कि यार एक बार मैं सीख जाऊंगा ना सारी चीजें, जिंदगी भर मैं खेलूंगा, किसी के ऊपर मुझे निर्भर नहीं होने पड़ेगा। तो आप वही मैं काम करता हूं, उन्हीं चीजों पर आप भी फोकस करो। ये देखो 30 पे 5, 63 पे 5, और ये देखो ये चीज समझो, 4 मैच में 38 विकेट गिरे किसके द्वारा, पेसर्स के द्वारा, और स्पिनर ने 13 विकेट लिया, यानी 13 तिहाई 39, 13 3 39, यानी लगभग लगभग जो पेसर है वो स्पिनर के 3 गुना विकेट ले रहा है। इसका मतलब आप क्या सीखते हो, पेसर, अब मैं इधर चल जाता हूं, स्क्रीन पे आ जाता हूं, ठीक है, रुक जाओ यहां पे आ जाता हूं इस वाले पेज पे, ताकि लिखूंगा ना, ये लिख लो सारी चीजें जो मैं लिखने जा रहा हूं, लिख लो। अरे क्या हो रहा है भाई, ये लिख लो जो लिखने जा रहा हूँ मैं, इसको आप लोग भी लिख लो, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। पेसर्स डोमिनेशन ज़्यादा रहेगा किससे, स्पिनर से, ठीक है। और पेसर का क्या, पहला इनिंग ज़्यादा डोमिनेशन रहेगा किससे, दूसरे इनिंग, ये लिख लो दूसरी चीज़, समझ में आ रही है। पेसर ज़्यादा डोमिनेट करेंगे स्पिनर से, और पेसर कौन से वाले, पहले इनिंग वाले पेसर ज़्यादा डोमिनेट यहाँ पे करने वाले हैं। ऐसे में समझो क्या करोगे, ऑलराउंडर पकड़ो, वो ऑलराउंडर जो कहाँ पे आता हो, मिडिल में आता हो, वो ऑलराउंडर जो कहाँ आता हो, मिडिल में आता हो, MID, मिडिल में आता हो, या लोअर डाउन डी ऑर्डर मतलब नीचे आता हो, ऐसे बल्लेबाजों को पकड़ लो, और साथ ही साथ वो क्या फेंकता हो, पेस फेंकता हो, पकड़ लो, ये मार लो, जल्दी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कॉपी पे, वो प्लेयर, वो पेसर जो मिडिल में आके, डेथ में आके बल्लेबाजी करता हो और साथ ही साथ वो क्या फेंकता हो, पेस गेंदबाजी करता हो, वो आपकी बन जाएगा प्राथमिकता नंबर 1। लॉक कर लो प्राथमिकता नंबर 1, लॉक कर लिया, ठीक है। दूसरा प्राथमिकता क्या होगा आप बताओ, आप भी बताओ, आप लोग खुद ही बहुत बड़े पुराने हो, पुराने खिलाड़ी अभी बन चुके। दूसरा प्राथमिकता क्या होगा, पेसर, वो गेंदबाज जो प्रॉपर पेस गेंदबाजी करेगा, 4 ओवर गेंदबाजी करेगा, पहले इनिंग में करेगा। पेसर कौन सा वाला, पहले इनिंग में जो पेस फेंकेगा वो क्या बन जाएगा, हमारी प्राथमिकता नंबर 2। लॉक कर लो प्राथमिकता नंबर 2 ये होगा। फिर तीसरा प्राथमिकता क्या होगा, वो पेसर जो दूसरे इनिंग में गेंदबाजी करेगा वो बनेगा हमारी प्राथमिकता नंबर 3। लिख लो प्राथमिकता नंबर 3। और एक चीज समझो, प्राथमिकता नंबर 1 जो है ना, यहां से आपको सी और वीसी भी मिल जाएगा, यहीं से सी वीसी मिल जाएगा। मतलब क्या करोगे, एक ऑलराउंडर जो हमने सिखाया ना प्राथमिकता नंबर 1 वाला, ऑलराउंडर में से एक को बना देना सी वीसी, और दूसरा वाला कहां से बना देना, यहां से, वो पेसर जो पहले इनिंग में गेंदबाजी करेगा वहां से पकड़ लेना क्या, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन। अब आप सोच रहे होगे कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या हम, कि कोई प्रॉपर पेसर हो और प्रतिशत कम हो और पहले इनिंग में फेंके तो उसको रखें, या वो गेंदबाज जो प्रॉपर पेसर फेंक रहा हो, 4 ओवर गेंदबाजी करे और प्रतिशत उसका ज्यादा हो, किसको रखें। तो देखो, सेफ खेलना हो तो हाई परसेंटेज वाले को पेसर को लगा देना, और अगर ट्रंप वाला खेलना हो, मतलब चाहते हो कि अगर ये चल जाए तो एक तरफा जीतू, कोई मम्मी का लाल मुझे रोक ना सके हराने से, तो फिर आप एक ट्रंप प्लेयर वाले को रख लेना, पेसर, ट्रंप प्लेयर वाला पेसर रख लेना जो 4 ओवर फेंकेगा और पहले इनिंग से। अब ट्रंप प्लेयर वाला कौन होगा, घबराओ नहीं यार, सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेते ना, सब बताऊंगा चीजें, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बता दिया, प्राथमिकता सेट करा दिया ना, तो ये 3 आपकी प्राथमिकताओं को मैंने सेट करा दिया ऐसे से। उसके बाद जाकर के आप स्पिन को पकड़ना, उसके बाद जाकर के आखिरी में जाकर के आप बल्लेबाज को रखना, क्योंकि बल्लेबाजों के लिए क्या है, ये कब्रगाह, मैंने बार बार बोला, ये देख लो बहुत बुरा हाल हो रहा है भैया, ये देख लो 30 पे 5 वेस्ट इंडीज के गिर रहे हैं, और न्यूजीलैंड के भी देखो 78 का पीछे करते करते 79 पे 3 गिर गया था, पीएनजी के सामने ये हाल है।
ये देखो 101 पे 3 इनका भी, हालत बहुत ख़राब हो रही है। और अफगानिस्तान में यहाँ पे 56 पे क्या हो गई थी, पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। तो ऐसे में यार बल्लेबाज को आपको हटा के चलना पड़ेगा। और एक चीज़ ये देखो, ये पेसर पहले इनिंग में बताया था ना 26, और ये देखो दूसरे 12, और स्पिनर जो पहले इनिंग वाला होगा ना उसको उठाना, ठीक है, स्पिनर पहले इनिंग उठा ले रहा। अब जो मैंने बातें बोली है उसके आधार पर मैं अगर टीम आपको दिखाता हूँ, ये वाली टीम नहीं है मतलब इनके प्लेयर हैं, तो आप बताओ यहाँ से मुझे बढ़िया प्लेयर कौन कौन दिख रहे हैं। रोमारियो शेफर्ड दावेदार दिख रहा है ना, 5वें 6वें नंबर पे बल्लेबाजी आके कर लेगा, करता है ना, तो 5वें 6वें नंबर बल्लेबाजी आके बल्लेबाजी करेगा, और 3 से 4 और शेफर्ड भी फेंकेगा। और कई बार आपने देखा ये गुत्थी में विकेट लेता है, 3-4 3-4 3-4 ऐसे गुत्थी में लेता है। रोमारियो शेफर्ड को देखोगे कैप्टन के तौर पर लोग इनको कम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इनको लेकर के चलना, बढ़िया प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। रोस्टन चेज प्रतिशत एकदम कम है, देखो रोस्टन चेज का आओ इधर आओ, ऑलराउंडर में आ जाओ, देखो ये देखो, नहीं यार प्रतिशत तो ज़्यादा है, हर के लिए रिसेंट फॉर्म खराब है, बता रहा हूँ रिसेंट फॉर्म खराब है, लेकिन रोस्टन चेज है तगड़ा प्लेयर, रोमारियो शेफर्ड भी तगड़ा प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार आपके यहाँ से मिल रहे हैं। ओबर्ट मकॉय देखो, वो बताया था ना कम प्रतिशत वाले पहली इनिंग से, ओबर्ट मकॉय को रख सकते हो। और ए जोसफ भाई ये खतरनाक है, ये लड़का खतरनाक है, राइट आर्म फास्ट, इसको ना आप ट्रंप लगा सकते हो, इसको रोमारियो शेफर्ड के साथ ए जोसफ को लगा सकते हो, आप बिल्कुल लगा सकते हो जोड़ा। यार रिकॉर्ड छोड़ो फालतू बातें, है ना, ये देखो पेसर है और ये दोनों क्या है, स्पिनर है। अकील होसन स्पिनर फेंकता है लेफ्ट हैंडर, और मोती लेग ब्रेक फेंकता है राइट हैंड से। अब एक बात समझना, पहले इनिंग से हमें रखना एक ही है, और दूसरे इनिंग में आए तो एक भी नहीं रखना है। तो दूसरे इनिंग से मैं बोलूँगा कि रख लेना, अगर ये लोग रहेंगे वेस्ट इंडीज़ वाले, एक को रख लेना आपके लिए सही रहेगा वेस्ट इंडीज़ वाले। लेकिन अफ्रीका वाले अगर सेकंड में गेंदबाजी करेंगे स्पिन वाला, उनको मत रखना, सिर्फ इनको रखना, क्योंकि स्पिन वेस्ट इंडीज़ अच्छी खेलता है। तो समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकंड इनिंग में इनकी स्पिन आती है तो एक को रख लेना, बिल्कुल रख के चलना। और दूसरे इनिंग में आएगी तब, पहली इनिंग में आएगी तब तो एकदम रखोगे, दूसरे इनिंग में आएगी तो भी मतलब रख सकते हो। ऐसे में अकील हुसैन के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है कि मैंने देखा भैया ये बल्ला भी चलाता है, बड़ा खतरनाक। वेस्ट इंडीज़ वाले वैसे ही दमदार होते हैं यार, छक्के के मारने के लिए जाने जाते हैं। अकील हुसैन आप उठा सकते हो यहाँ से, रोस्टन चेज़ को उठा सकते हो, रदरफोर्ड को यहाँ बल्लेबाजी से उठा सकते हो, अगर गेंदबाजी नहीं कर रहा है, बल्लेबाजी सिर्फ करेगा इसलिए स्टैंड बाई पे रोक देते हैं, रुक जाओ ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं उठा रहा हूँ किसको किसको, रोमारियो शेफर्ड को, रोस्टन चेज़ को, एबर्ट मकॉय को, जोसफ को, और इन दोनों में से एक, 5 यहाँ से मिल गया मुझे, और एक मैं इन 4 में से एक को उठा लूँगा, ठीक है, एक को उठाना पड़ेगा ना, कम से कम तो एक लेंगे। अभी मैं टीम बना के दिखा दे रहा हूँ, क्या है, मैं टीम ही दिखा दूँ क्या आप लोगों को, खुश हो जाओगे आप लोग ना, चलो मैं टीम दिखा देता हूँ, ठीक है, एग्जिट मारते हैं यहाँ से, टीम उठाते हैं, ठीक, ये देखो, चलो भैया देख लो टीम, अब देख लो यार टीम तो मैं दिखा दे रहा हूँ ईमानदारी से, यार आप भी एक ईमानदारी दिखाओ ना यार प्लीज़, के चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मेहनत लगती है, इतनी स्ट्रैटजीज इतनी लॉजिक्स में बताता हूँ, आपको लगता है कि आप मुझे कोई भगवान जी स्क्रिप्ट लिख के देते हैं क्या, कि मैं इतनी आसानी से बना देता हूँ, या फिर मेरी कोई टीम है जो मुझे हेल्प करती है, नहीं कोई टीम नहीं है यार, मैं अकेला मेहनत करता हूँ, अकेले चीज़ों को सोचता हूँ, क्योंकि देखो ग्रैंड लीग जिताना और हर मैच में लोगों को जितवाना इतना आसान नहीं होता, आपको अकेले में टाइम देना होता है यार। मैं कमरे में बंद हो करके दरवाजे बंद कर लेता हूँ, कमरे बंद कर लेता हूँ, और घंटे घंटे तक कमरों में रहता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, सोचता हूँ, स्ट्रैटजी लगाता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, तब जाके इतनी चीज़ों को मैं आपको बता पाता हूँ, आसानी से पहुँच पाता हूँ। वरना मेरे पास भी डिजिटल बोर्ड रहता तो मैं क्या करता, सब खिलाड़ियों का 5-5 मैच का रिकॉर्ड दिखा देता, वीडियो बना के निकल जाता, मिल गया 25,000-20,000 व्यू, मिल गया काम, बन गया पैसा, हो गया मेरा, आप लोग हारो जीतो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं यार, मैं सोचता हूँ कि मैं जिस तरीके से सोचता हूँ, जिस तरीके से टीम बनानी चाहिए, वो मैं आपको सिखाऊँ, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो ना, मुझे बस सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, ठीक है। फिलहाल के लिए टीम ये देख लो, यहाँ पे आप सोच रहे हो ये टीम मैंने किस आधार पर बनाई है, वही जो मैंने बोला उसके आधार पर, ये देखो 4 ऑलराउंडर भरा है और 5 गेंदबाज भरा है, 4-5 ये देख रहे हो, और एक R1 डेडुसन को मैंने रखा हुआ है, और यहाँ से निकलस पुरन को, निकलस पुरन के साथ साथ ये रिकल्टन है ना, रिकल्टन जो उनका वेस्ट अफ्रीका का जो कीपर है वो भी ऑप्शन है, तो दोनों में से आप एक को ट्राई कर सकते हो, खासतौर से जो ये बोलूँगा जो सेकंड इनिंग में आएगा उसको आप ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल दोनों में से जो भी आएगा सेकंड में ट्राई कर लेना। R1 डेडुसन अच्छा फॉर्म में चल रहा है और बढ़िया प्लेयर भी है यार R1 डेडुसन, फिलहाल में मैंने सुना है कि इसका रिकॉर्ड जो रहा है वो अच्छा रहा है, अच्छा इन्होंने खेला है, तो आप क्या कर सकते हो R1 डेडुसन को भी क्या कर सकते हो टीम में रख के चल सकते हो, ठीक ठाक है, बिल्कुल फॉर्म अच्छा है और स्पिन वगैरह अच्छा गेंदबाजी करता है। ये 4 प्रॉपर ऑलराउंडर मैंने रखा हुआ है और ये 5 मैंने प्रॉपर गेंदबाज रखा है। आप देख लो, बर्गर है, मकॉय है, हुसैन है, बाटमैन है, ठीक है, ये चीज़ है। हालांकि बर्गर को मैं सेकंड इनिंग रखूँगा, पहली इनिंग आ जाएगा तो ये विलियम्स को डालूंगा, ये विलियम्स देख रहा हूँ, रुक जाओ विलियम्स को दिखा देता हूँ, वरना आप कहोगे सर सब करके दिखाया करो, लो भाई सब करके दिखा रहा हूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरा भी फर्ज बनता है आपकी मदद करना। ये देखो एक टीम ये चेजिंग चेज वो मैं चेस सॉरी चेजेस कर रहा हूँ, चेंजेस क्या कर सकता हूँ, ये देख लो ये वाला चेंज है, आगे बात समझ, देख लो 6-5 का, वेस्ट इंडीज़ के मैंने 6 रखा है, अफ्रीका के मैंने 5 रखा है। यार वेस्ट इंडीज़ फेवरेट है यहाँ पे, अगर वेस्ट इंडीज़ यहाँ पहले बल्लेबाजी करके, ये भी बता दूँ पहले जी में गड़बड़ है ना, लेकिन ये भी बता दूँ अगर वेस्ट इंडीज़ ने 130-135 मार दिया पहले इनिंग में, अफ्रीका वालों की हालत ख़राब हो जाएगी। आपको पता है कि ये जो वर्ल्ड कप में भी आपने मैच देखा होगा, अफ्रीका की हालत ख़राब हो गई थी, वो तो भला मना उनका क्या बोलते हैं जॉनसन का ना, वो जो था जॉनसन ही नाम था ना, हाँ जॉनसन जिसने मार दिया, वरना ये लोग तो इतने पे भी हार गए थे, और रोस्टन चेज़ उस मैच में हीरो था। तो ये देख लो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है क्या क्या आपका कैप्टन वाइस कैप्टन का, देख लो ये दिख गया, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज़, ये आपका ऑप्शन बनता है कैप्टन वाइस कैप्टन का, ठीक है। और आपका ऑप्शन क्या बनता है,
ऑप्शन बनता है ये 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 भी ऑप्शन आपका अच्छा बनता है, ये भी आपका ऑप्शन अच्छा बनता है, ये ऑप्शन आपका अच्छा बनना है, बिल्कुल अच्छा बन रहा है। और ध्यान दो, मैंने जो सिखाया ना कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जो प्रतिशत चेक किया था, प्रतिशत के हिसाब से काम किया करो। मैं दिखाता हूँ कैसे मैं बोलना चाहता हूँ। देखो, रोस्टन चेस को वाइस कैप्टन ज़्यादा बनाया गया है, रेबारी शेफ्टर को कैप्टन, हाँ ठीक है, ये सही है, कैप्टन यहाँ बना, उसको वाइस कैप्टन बना दो, ये भी पेयर अच्छा है। और मार्करम, मार्करम पर ट्राई कर सकते हो, हाँ मार्करम बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, खासतौर से अगर सेकंड में गेंदबाजी आ जाए, पहले में बल्लेबाजी आ जाए तो भी आप मार्करम पर ट्राई कर सकते हो, मार्करम भी एक दावेदार अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। अलग आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा तो अकील हुसैन और बैटमैन को पहली इनिंग से, बैटमैन को पहली इनिंग से, विलियमसन को भी पहली इनिंग से ही करेंगे, जो पहली इनिंग में करेगा ना यार वो ज़्यादा दावेदार है, इस बात का ख्याल रखना। हालांकि सेकंड इनिंग में जो पेस गेंदबाजी कर रहा है वो भी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। और गेंदबाजी में स्पिनर के तौर पे मैंने अकील हुसैन को रखा हुआ है, विकेट चटका देता है। फिन एलन को भी रखा हुआ है क्योंकि यार ये भी तगड़ा है, बल्लेबाजी में नीचे डाउन डी ऑर्डर कर लेता है, मैंने देखा है इसको, करता है बल्लेबाजी। अच्छा मैं ज़रा देख लूँ इनके पास स्पिनर कुछ अच्छे हैं, फॉर्टून, फॉर्टून नहीं स्टैंड बाई पे रखेंगे, देखते हैं। मोती को भी ट्राई कर सकते हैं ना, अकील हुसैन और मोती दोनों में से एक पे ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। 6-5 की फिलहाल ये टीम ले लो, 6-5 की ये टीम है गाइस, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि मैं आपको वेस्ट इंड अफ्रीका का भी बता दूँ, तो चलो अफ्रीका का भी बता देता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए टीम जो क्या कर लो, लॉक कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। चलो अब मैं आपको अफ्रीका का बता देता हूँ। हाँ तो यस गाइस, आप चाहते थे ना, आप चाहते थे ना कि मैं वेस्ट इंड का भी अफ्रीका का भी दिखा दूँ, तो ये देखो अफ्रीका का है, फटफट जल्दी बता देता हूँ कौन कौन किस क्रम पे आएगा। और ऊपर पर थोड़ा गड़बड़ है ना, ऊपर में थोड़ा हटाना, मिडिल और डेथ में खेलोगे ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, शुरू मैंने बताया था। तो देखो रीज़ा हेंड्रिक्स, वे इज़ रीज़ा हेंड्रिक्स, हेयर इज रीज़ा हेंड्रिक्स, रीज़ा हेंड्रिक्स के साथ जो आएंगे ओपनिंग पार्टनर वो रिकल्टन आएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आएंगे एडम मार्करम, चौथे पर आएंगे डसन रैसी वंडर डसन, पाँचे पे स्टब्स आएंगे जो कि अच्छा है, मिडिल ऑर्डर से उठाने लायक है डसन और स्टब्स, ये देखो मिडिल ऑर्डर ना यहाँ से उठाने लायक है बिल्कुल। और उसके बाद वियान मुल्डर है, स्टैंड बाई पर रखते हैं, लास्ट तक डिसीजन लेंगे, अभी इनके पर रुके हुए हैं। फिर उसके बाद आएंगे आपका फॉर्टून, और उसके बाद नीचे आ जाएंगे बैटमैन, ये सब नीचे आ जाएंगे, ठीक है, नीचे की तरफ, और लुंगी अनगेड़ी। तो ये आपका पूरा क्रम है, ऊपर में गड़बड़ चल रहा है ना, ऊपर ही में गड़बड़ है, ऐसे में ऊपर से ही हमको हटाना पड़ेगा। तो ऐसे में ऊपर में कौन आ रहा है, तीसरे नंबर मार्करम आ रहा है, बैटिंग बॉलिंग दोनों देगा तो हमको रखना पड़ेगा। रिकल्टन और हेंड्रिक्स ये दोनों ऊपर आ रहे हैं, ऐसे में देखो मैंने ऑप्शन दिया था निकलस पूरन के साथ, निकलस पूरन या रिकल्टन दोनों में से एक को आप रख सकते हो, खासतौर से जो सेकंड में बल्लेबाजी करेगा वो आपके लिए ज़्यादा सही है। लेकिन मैं बोलूँगा ना कि आप तीसरे नंबर पर वहाँ से पूरन आ रहे हैं और ये भी तो दूसरे नंबर पर आ रहा है ना यार, मतलब क्या ही फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए एक ही को रखना है। दोनों ऑप्शन है, जो भी सेकंड में आए आप उस पर ट्राई कर सकते हो, वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। और इनकी बात करूँ मैं, यस इन दोनों में से एक को रखने लायक है, सिर्फ एक को रखने लायक है, और यहाँ से मार्करम को रखने लायक है ये, ठीक है, यही मुझे सटीक बैठ रहा है। लुंगी अनगेड़ी रखना ही चाहिए। अब बैटमैन का पहली इनिंग में जो एवरेज वो बहुत ख़तरनाक है, लिटरली बहुत अच्छा है। फिर बी फॉर्टून है, बी फॉर्टून भी जो प्लेयर है वो अच्छा है यार, बिल्कुल बिजॉन फॉर्टून अच्छा है, 0-2, 0-1, 0 ऐसा रहा, मतलब ठीक रहा एवरेज। ऐसे में मैं क्या बोलूँगा ना कि पहले इनिंग में आ जाए तब रख लेना, वरना सेकंड इनिंग में आ जाएगा ना सेकंड में कैंसिल कर देना ना, कैंसिल कर देना, ठीक है, ये आपके लिए सही रहेगा। तो अच्छा ये हो गया ना पूरा क्रम, आपने देख लिया ना कौन कौन किस वक्त आ रहा है। तो यही है मेन, देखो गेंदबाजों पे खेलना है, मेन चीज़ समझो यार, मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपको गेंदबाजों पे खेलना है। अब ये देख लो ये टीम 6-5 की है ना, 6-5 की टीम देख लो। अब एक चीज़ समझना, जो पहली इनिंग में गेंदबाजी कर रहा है ना उसको ज़्यादा मदद मिल रही है, सेकंड इनिंग वालों को कम मिल रही है। तो ऐसे में मान लो वेस्ट इंडीज़ अगर पहले गेंदबाजी करता है तब तो समझ लो इसका मतलब अफ्रीका को हम गिराएंगे, डुबाएंगे। और अगर यही चीज़ क्या हो रहा है कि अगर साउथ अफ्रीका, अगर वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे पहले वो कर रहा है बल्लेबाजी कर रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि वेस्ट इंडीज़ को हम डुबाएंगे और साउथ अफ्रीका को हम चढ़ाएंगे। तो वो टीम क्या बन जाएगी, 7-4 की बन सकती है या फिर 6-5 की बन सकती है उसके फेवर में, जो पहले इनिंग में क्या करे गेंदबाजी। ये मैंने आपको एक जनरल टीम दे दिया, समझो जनरल टीम। और मैं इसमें क्या क्या मैं आपको सिखा दिया, देखो मैंने क्या क्या सिखा दिया है, सिखाया क्या, ये देखो 4 ऑलराउंडर और ये 5 गेंदबाज, ये 4-5 देख रहे हो ये रखा है मैंने, एक विकेट कीपर ही रखना ही है और यहाँ पे एक ही बल्लेबाज को रखा है। आप चाहो तो एक के साथ दो भी रख सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन दिया था किसका दिया था, स्टब्स का दिया था ना, स्टब्स का। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया किसका दिया, रिकल्टन का ऑप्शन दिया है। बाकी ये 4 रखना है, 5 यहाँ रखना ही रखना है। और मैंने क्या क्या चीज़ें और बताई है रिपीट करवा देता हूँ यार आपको, मैं ऐसे टीचर एकदम समझाता रहा, रिपीट करवा दे रहा हूँ। पहले इनिंग का पेसर, दूसरे इनिंग का पेसर, और तीसरी चीज़ पहले इनिंग का क्या स्पिनर, बस ये रखना, ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, ये रखने वाली बात बताया हूँ। उसके बाद और मैंने क्या बताया हुआ है प्राथमिकता के बारे में, ऑलराउंडर कौन सा वाला, पेसर वाला जो पहले इनिंग में पेस फेंके, उसके बाद ऑलराउंडर कौन जो दूसरे इनिंग में पेस फेंके ना, फिर कौन पेसर, प्रॉपर पेसर जो पहली इनिंग में बॉलिंग करे, फिर किसको पेसर वो जो दूसरी इनिंग बॉलिंग करे, तब जाके पेस स्पिनर कौन जो पहली इनिंग में गेंदबाजी करे, और तब जा करके वो बल्लेबाज जो दूसरे इनिंग बल्लेबाजी करे। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो ले लो,
ले लिया स्क्रीनशॉट, बस इसी में छिपा हुआ। ये बातों को समझ लिया आपने, कॉपी पर लिख लिया, कॉपी पर लिख करके अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान और अपने खुदावन को याद करके अगर आपने टीम बना दिया, यकीन मानो यार ग्रैंड लीग जीत सकते हो। मेरे को शुरू शुरू में लगता था ग्रैंड लीग जीतना मुश्किल है, लेकिन लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपने सही स्ट्रैटेजी अपना लिया, सही स्ट्रैटेजी अपना करके 2 से 3 टीम को बनाया और रोटेट कर दिया खिलाड़ियों को, ग्रैंड लीग आपकी पक्की हो सकती है यार, बिल्कुल पक्की हो सकती है, बहुत मुश्किल नहीं है। सीखने पर फोकस करोगे तब जाके होगा, वरना फिर वही है कि आंकड़े देखते रह जाओगे और सामने वाला आपका जो पार्टनर, आपका जो पड़ोसी है, वो उड़ा ले जाएगा ग्रैंड लीग। तो वो सीखेगा और आप बस देखोगे रिकॉर्ड। तो अब देख लो, आप रिकॉर्ड देखने वाले हो या सीखने वाले हो, दिमाग लगाने वाले हो, दिमाग लगा के जीतने वाले हो, कौन से वाले हो आप देख लो, ठीक है? क्योंकि मैं रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं देखा था, फिर मैंने रिकॉर्ड आपको बता ही दिया, हर मैच बता देता हूं। लास्ट में भी टेलीग्राम पर अगर आप चाहोगे तो मैं आकर के आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा और बता दूंगा कौन से प्लेयर किस फॉर्म में, वो भी बता दूंगा, आप कमेंट कर देना। तो चलो, उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बता दी होगी। बदले में मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका आशीर्वाद चाहिए। और आशीर्वाद के तौर पर क्या, चैनल पे आए हो पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। यकीन मानो कि अगर आपने गॉडसन क्रिकेट को फॉलो कर लिया, ग्रैंड लीग के आप करीब आ जाओगे यार, ग्रैंड लीग के बिल्कुल करीब आओगे। और महीनों से और लाखों से जो आपका लॉस हो रहा है ना, कई सालों से, वो लॉस कवर होना चालू हो जाएगा। आप एक बार टेलीग्राम पे जाओ मेरे, जा करके देखो कि लोगों के मैंने स्क्रीनशॉट डाले हैं, लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताते हैं कि वो जो मैच का मैं प्रेडिक्शन नहीं देता हूं, उसमें भी वो मेरी सिखाई बातों का इस्तेमाल करके वहां पे जीत रहे हैं। मैं दे भी नहीं रहा प्रेडिक्शन, इसके बावजूद वो जीत रहे हैं, और उसका श्रेय वो मुझे देते हैं कि सर इन चीज़ों को मैंने सीखा था, यहां पे अप्लाई किया तब जाके मैं जीत गया। तो यार सीख रहे हैं तभी तो जीत रहे हैं। अगर आपको भी जीतना है तो आपको सीखना होगा, तो आइए जल्दी से गॉडसन क्रिकेट पे फॉलो करिए। टेलीग्राम में, टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ज्वाइन कर लेना, अपना प्यार सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, अपना ख्याल रखना, अपने जरा, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चों का ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।